दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी। ईडी के वकील ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में होलसेलर को फायदा पहुंचाकर अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई। वहीं सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क टाइम्स सहित विदेशी मीडिया पर निशाना साधते हुए उन पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। ट्वीट करते हुए मंत्री ने देश और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए विदेशी मीडिया को फटकार लगाई। नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी कर रहा है। ईडी के अधिकारियों ने राजधानी में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में राजद नेता के आवास पर छापेमारी शुरू की। इसके साथ ही एजेंसी ने जांच के सिलसिले में बिहार के कई शहरों में छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के समक्ष हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया। यह मामला उनकी उस व्यापक वार्ता के दौरान चर्चा के लिए आया जिसका उद्देश्य समग्र संबंधों का विस्तार करना था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अहमदाबाद टेस्ट मैच का पहला दिन कई मायनों में खास कहा जा सकता है। पहले दिन के खेल के दौरान करीब 1,00,000 लोग स्टेडियम में मैच का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड अब इस स्टेडियम के नाम पर जुड़ गया है। इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक दर्शक किसी टेस्ट मैच में पहुंचने का रिकॉर्ड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम था। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि टेररिस्ट एक्ट के पीछे प्रेरणा के आधार पर आतंकवाद को बांटना खतरनाक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामोफोबिया सिख विरोधी, बौद्ध विरोधी या हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से प्रेरित सभी प्रकार के आतंकवादी हमले निंदनीय हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति नेता की कविता ने महिला आरक्षण बिल की मांग वाले धरने में कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद के मद्देनजर उस पर तंज भी कसा है। के कविता ने भारत जागृति के जरिए एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें कई विपक्षी पार्टियों से उनके समर्थन में आवाज बुलंद करने का समर्थन मांगा। बदलते मौसम की वजह से आजकल कई लोगों को जुकाम, तेज बुखार और खांसी की समस्या हो रही है, जिसकी वजह से भारत इन दिनों वायरल बुखार की चपेट में है। कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी के कारण वायरल बुखार H3N2 के केस भी बढ़े हैं। देश में 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस 3,000 से ज्यादा हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी में आंकड़ा 707 पर पहुंच गया था। इसके अलावा 10 मार्च तक देश में कुल 3,294 कुल एक्टिव केस हैं। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 117 केस बढ़े हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुछ ही महीने बाकी हैं। सत्ताधारी बीजेपी मोदी लहर के सहारे एक बार फिर से राज्य में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है, तो कांग्रेस को सत्ता विरोधी लहर का सहारा है। वहीं जेडीएस भी राज्य में मजबूत ताकत बनने के लिए जोर लगा रही है। इस बीच एक सर्वे आया जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज हाल ही में अपनी खराब सेहत को लेकर चर्चा में थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी थी। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली एक्ट्रेस को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो अभिनेत्री को तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट मैच में लाजवाब प्रदर्शन कर अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट चटकाकर वह कंगारू टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम दर्ज था। भारत में फ्यूल की डिमांड तेजी से बढ़ी है। जारी हुए एक आंकड़े के मुताबिक भारत में ईंधन की मांग 24 साल की हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मांग सस्ते रूसी तेल से बढ़ी है। फरवरी में ईंधन की खपत 5% से बढ़कर 4.82 मिलियन बैरल प्री डे हो गई है, जो साल दर साल 15वीं बढ़ोतरी है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की कार से एक बाइक सवार युवक की टक्कर हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा, ईश्वर की कृपा से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। बाइक एकदम गाड़ी के सामने आ गई, मैंने उसे अस्पताल भेजा। मैंने अस्पताल जाकर उससे मुलाकात भी की। इन दिनों अफगानिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए हाल ही में 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की थी। भारत की ओर से भेजी गई इस मदद से गदगद तालिबान ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। तालिबान ने कहा है कि दोनों देशों की जनता के आपसी संबंध सुधरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की मां का निधन हो गया है। बीती रात कमिंस की मां ने अंतिम सांस ली। उनकी मां के निधन पर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। खिलाड़ियों को यह जानकारी टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने दी।